हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल लुमान मेडिसिन में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई महिला अगर धोखे से मेनफोर्स टैबलेट खा ले तो क्या होगा? तो सबसे पहले जानते हैं कि मेनफोर्स टैबलेट होती क्या है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेनफोर्स टैबलेट अगर कोई महिला या लड़की धोखे से खा ले तो क्या होगा, क्योंकि ये टैबलेट जो होती है पुरुषों के लिए होती है, अगर महिलाएं इसको खा लें तो फिर क्या होगा, उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा आप वीडियो को देखें, थोड़ा सा भी स्किप ना करें, बहुत ही अच्छे से समझाया इस वीडियो में। सबसे पहले जाने कि मेनफोर्स टैबलेट होती क्या है। तो मेनफोर्स टैबलेट जो दोस्तों, इसके अंदर जो साल्ट होता है, इसके अंदर जो दवा होती है वो होता है सिल्डेनाफिल सिट्रेट, और सिल्डेनाफिल सिट्रेट जो है वो फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर क्लास की दवा है। अब ये बात करें काम कैसे करती है, जो मेनफोर्स टैबलेट होती है वो पुरुषों में अगर लेते हैं पुरुष तो उनमें कैसे काम करती है। तो पुरुषों के अंदर क्या करती है, पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के अंदर खून के दौरान को बढ़ा देती है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, जिससे कि उनके प्राइवेट पार्ट में तनाव आ जाता है, कड़ापन आता है, इस तरीके से काम करती है। अब बात करें कि अगर इसको लड़की खा ले तो क्या होगा, तो दोस्तों सबसे पहले तो FDA जो होती है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसने साफ साफ मना कर रखा है, बोल रखा है कि कोई भी महिला कोई भी लड़की इस टैबलेट को ना नहीं खाए, इस्तेमाल ना करे, साफ साफ मना कर रखा है। अब अगर वो धोखे से खा लेती हैं तो क्या होगा, जैसे कि पुरुषों में काम करती है ये, पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको, उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती है, खून का दौरान बढ़ा देती है, ऐसे ही महिलाएं अगर इसको धोखे से खा लेती हैं तो उनके भी प्राइवेट पार्ट के अंदर जो है ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, खून का सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे कि उनको सेंसेशन फील होगा उनके प्राइवेट पार्ट पर, और थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत इच्छा बढ़ सकती है। बट इसको लेना सेफ नहीं है, इसको लेना नहीं चाहिए, कोई भी महिला जानबूझकर इस टैबलेट को ना ले। तो ये इस तरीके से दोस्तों इसका यूज होता है, इसका जो इस्तेमाल होता है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में होता है। अब बात करें कि उपयोग करने का तरीका क्या होता है, तो पुरुषों में कैसे इसको उपयोग करा जाता है, तो दोस्तों पुरुष जो है इसको 40 से 50 मिनट पहले अपने पार्टनर के पास जाने से ले सकते हैं, दूध या पानी के साथ इसको लिया जा सकता है, उसके बाद में आप पार्टनर के पास जा सकते हैं। बाकी साइड इफेक्ट की इसमें बात करें तो साइड इफेक्ट जो इसमें कॉमन से साइड इफेक्ट आ सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आएगा, नोजिया वोमिटिंग लग सकता है, फ्लैशिंग मतलब आपके जो है फेस पर चेहरे पर गर्माहट सी महसूस होगी, और घबराहट भी हो सकती है। तो इस तरीके से काम करती है, तो इस तरीके से ये होते हैं इसके साइड इफेक्ट। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी, आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर बनाकर डालते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।